नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ सीआईबी इंडिया न्यूज पर। इस खबर के प्रायोजक हैं उज्जवल मॉडल स्कूल, गादीपुर हरकेश बाईपास, कप्तानगंज, आजमगढ़। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही उनका एडमिशन उज्जवल मॉडल स्कूल में कराएं। आगरा जिले के थाना इरादत नगर क्षेत्र के गांव डाडकी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खाना बनाते समय सिलेंडर में विस्फोट हो गया। विस्फोट इतना भीषण था कि परिवारों जने के साथ साथ पड़ोस के लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जहां मौके पर ही चार लोगों ने दम तोड़ दिया। घायलों को निजी अस्पताल के लिए प्राइवेट वाहनों से रेफर कर दिया, जहां रास्ते में ही दो लोगों ने दम तोड़ दिया और 14 वर्षीय बच्ची इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। इस पूरी घटना में 7 लोगों की मौत और करीब 15 लोग घायल हो गए हैं। सिलेंडर का विस्फोट इतना भयंकर था कि आसपास के मकान भी ध्वस्त हो गए हैं। कहीं दीवार टूट गई तो कहीं पूरा का पूरा मकान ध्वस्त हो गया। मकान ध्वस्त होने पर मलबे में लोगों के फंसने की भी आशंका जताई जा रही है। घटना से आसपास के क्षेत्रों में हड़कंप और कोहराम जैसी स्थिति बनी हुई है। दूर दूर से लोग इस घटना को सुनकर दौड़े दौड़े आ रहे हैं। घटना के एक घंटे बाद भी मौके पर कोई एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड जैसी सुविधा नहीं पहुंच सकी है। प्रशासन की बात की जाए तो घटना के एक घंटे बाद भी कोई प्रशासनिक व्यक्ति मौके पर नहीं पहुंचा। आपको बता दें कि आसपास के ग्रामीणों ने प्राइवेट वाहनों से घायलों को आसपास के निजी अस्पतालों में भर्ती कराया है। आपका? मेरा नाम हरिनारायण है। हरिनारायण जी, क्या घटना हुई यहाँ पे? ये साहब डाड़ की हमने सुनी अभी आधे घंटे पहले कि यहाँ पे सिलेंडर फटा है। सिलेंडर फट, हाँ, क्या हुआ? उसमें सिलेंडर फटने पर यहाँ घर में जो था छत थी वो फट गई सब, तो यहाँ कुछ तो उसमें मलबे में दबके खत्म हुए थे सिलेंडर से और छत से, प्लस अड़ोसी पड़ोसी थे वो भी देखने बचाने के लिए, बचाव कार्य के लिए आए थे। ये मेरी सुध में तो जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा घटना, भयानक घटना हुई है। हालांकि कितने लोगों की बता रहे हैं, कितने लोगों की घटना यहाँ मृत हो चुके हैं, कितने लोग गंभीर रूप से? 6 लोगों की तो यहाँ पे डेड बॉडी रखी हुई है जी जी, और कुछ निजी वाहनों से आगरा ले जाए गए हैं। एम्बुलेंस की व्यवस्था कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। अब आई है प्रशासन की तरफ से क्या मदद अभी तक यहाँ? प्रशासन की तरफ से कोई जी बिल्कुल कोई मदद नहीं मिली ना। दमकल SDM भी आ रहे हैं मौके पर एम्बुलेंस के लिए, मैंने DM ऑफिस में कह दिया है, CMO का फोन मिल नहीं पाया। हालांकि इतनी बड़ी घटना हुई है, आपने भी देखा होगा कि मकान ध्वस्त हैं और काफी लोग गंभीर रूप से हैं। अगर तुरंत इन लोगों को अगर आज एम्बुलेंस की व्यवस्था अगर मौके पर मिल जाती तो शायद हो सकता है तो कुछ लोग वो बात आपकी बिल्कुल वाजिब है। और एम्बुलेंस हॉस्पिटलों में यहाँ है भी, लेकिन हो सकता है मिलने में क्या व्यवस्था रही है। घंटा तो हो गया होगा इस घटना को हुए जी जी, घंटा हो गया। घंटा है गो बेटा, 8 बजे की बात है, उधर यहाँ घर आई कर दीजिए रोटी कर ले तू कांगो। अच्छा जी, बच्चा बाई साइड में काहे के लेके होतो? मो नाम आलम बेटा, काहे को बाबा में ना पतो है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।